गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, डिवीजन पार्ट 10 में आपका बहुत बहुत वेलकम है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है 89 डिवाइडेड बाई 7, तो इसको आपको क्या करना है, डिवाइड करना है। तो इसमें देखिए ये 89 क्या हो जाएगा, डिविडेंड हो जाएगा और 7 डिवाइजर हो जाएगा। और इसी चीज़ को हम इस तरह से लिखते हैं यहाँ पर, यहाँ पर 89 ये है डिविडेंड है और ये 7 क्या है, डिवाइजर है। अब आइए देखिए हम क्या करेंगे, 89 का 7 से हम डिवाइड देंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 7 का टेबल पढ़ेंगे, 7 1 7 7 2 14। तो यहाँ पर हम 7 का 1 बार ले जाएंगे क्योंकि 14 ज़्यादा हो जा रहा है, 7 1 7। और उसके बाद हम माइनस करेंगे, 8 में से 7 जाएगा, क्या हो जाएगा हमारा, 1 बचेगा। और देखिए उसके बाद यहाँ पर 9 हम उतार लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर से टेबल पढ़ेंगे 7 का, 7 1 7 7 2 14, और 7 3 21 ज़्यादा हो जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, 2 बार ले जाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे 7 2 14 और फिर माइनस करेंगे। तो अब यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, हम 19 में से 14 को माइनस करेंगे, तो 9 में से 4 जाएगा 5, और यहाँ पर 1 माइनस 1 कट, तो यहाँ पर ये हमारा बच जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि ये 7 क्या है, ये है डिवाइजर है, क्या है ये, डिवाइजर। और ये 12 जो हमारा आंसर आया है, ये क्या है, हमारा कोशेंट है, हम ऑलरेडी जानते हैं इससे। ये हमारा 5 जो बचा है, ये क्या है, रिमाइंडर है। और फाइनली ये हमारा क्या है, ये हमारा डिविडेंड है। अब देखिए अब हमें क्या करना है, हमें देखिए अब क्या करना है, जो डिवाइजर हमारा 7 है और जो कोशेंट हमारा 12 है, इन दोनों का हमें मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। हमें क्या करना है, डिवाइजर का कोशेंट से इसका इसमें से मल्टीप्लाई करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 12 × 7, उसके बाद हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 2 14, 7 1 7 7 1 कैरी 8। उसके बाद हमें क्या करना है, अब जो रिमाइंडर 5 आ रहा है आपके पास, उसे क्या करना है, यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई किया हुआ है, उसके बाद हमें रिमाइंडर 5 ऐड करना है। उसके बाद देखिए आप अगर 5 ऐड करेंगे तो क्या होगा, 4 + 5 क्या हो जाएगा, 9, और उसके बाद 8 उतार लेंगे। अब 89 हमारा क्या है, यहाँ पर देख के आप बताइए 89 इसमें क्या है, 89 तो देखिए यहाँ पर 7 डिवाइजर है, 12 कोशेंट है, 89 हमारा डिविडेंड है। यही हम बताने वाले थे कि 89 हमारा डिविडेंड है। ओके बच्चों, अब यहाँ पर देखिए किसी भी डिवाइड में अगर आप डिवाइजर का कोशेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, उसके बाद क्या करेंगे, जो 5 रिमाइंडर है वो ऐड कर देंगे, तो आपको डिविडेंड मिल जाएगा। ये चीज़ यहाँ पर देखिए, हमने 12 का 7 से मल्टीप्लाई किया है, उसके बाद फिर 5 ऐड किया है, तो हमारा डिविडेंड फिर से आ गया है। तो यही हम बताने वाले थे आप।